तो आज पावर सिस्टम स्टार्ट करें ना? हाँ, क्यों, मशीन क्यों पढ़ना है? अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ लिया है तो पावर सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और ट्रांसफार्मर में इतनी एनालिसिस हो जाती है कि सिंक्रोनस मशीन को भी आप, सिंक्रोनस मशीन का जितना यूज़ है पावर सिस्टम में वो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पावर सिस्टम में क्या होता है, जनरेटर है ना, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, फिर से ट्रांसफार्मर, ठीक है, फिर लोड है ना। ठीक है, तो हमारे को जनरेटर अच्छे से आना चाहिए है ना, ट्रांसफार्मर अच्छे से आना चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लोड एंड पे जो वेरिएशन होते हैं वो आना चाहिए, और ये सब कुछ मिलकर के क्या बना देगा है ना, एक पावर सिस्टम। ठीक है, या इसके एनालिसिस हम किस बेसिस पे करेंगे, जिस बेसिस पे हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को पढ़ते हैं। ठीक है, एक जनरेटर एक वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, उसमें जनरेटर में हमेशा एक रिएक्टेंस होता है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, फ्लक्स ऑपरेट करता है ना। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, लीकेज फ्लक्स की वजह से इसमें लीकेज फ्लक्स होता है, और एक और बहुत डोमिनेटिंग फ्लक्स होता है, उसको हम फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर रिएक्शन का नाम सुना होगा आपने। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, वो भी एक नया फ्लक्स होता है जो मेन फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो मेन फ्लक्स के साथ जितने फ्लक्स इंटरेक्ट करेंगे उन सारे फ्लक्स को मॉडल हम कैसे करेंगे, सिंक्रोनस, मतलब एक इंडक्टेंस से मॉडल करेंगे। ठीक है, फ्लक्स को हमने ट्रांसफार्मर में इंडक्टेंस से मॉडल किए, तो इसको हम, मैं जनरेटर की जब मॉडलिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा है ना, इसको हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है एक्स ए आर प्लस एक्स लीकेज, आर्मेचर, ये आर्मेचर रिएक्शन के लिए और ये लीकेज फ्लक्स के लिए होता है। तो हमें पावर सिस्टम में ये मशीन का पार्ट हो गया। ठीक है, कहाँ से एक्स ए आर आया, कहाँ से एक्स एल आया। ठीक है, पावर सिस्टम में हम बस ये समझेंगे, मशीन कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक वोल्टेज सोर्स विथ एन इंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी होगी, इसका इंडक्टेंस पता है तो रिएक्टेंस पता चल जाएगा है ना, और चूंकि ये एक्सेस है तो इसको हम जे एक्सेस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हमारे पास पावर सिस्टम में, मैं ब्लॉक डायग्राम में दिखा रहा हूँ, जनरेटर, उसके बाद इस तरह से हम पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, हम लोग आज कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, पावर सिस्टम में जो बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं ना, है ना, उसको एक एक करके पढ़ाई करते हैं हम लोग। जैसे पावर सिस्टम में हम जनरेटर वोल्टेज यहाँ का पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे ना, स्टेप अप क्यों करेंगे, लॉस कम करने के लिए। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे कि वोल्टेज को स्टेप अप करने से लॉस कैसे कम होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देंगे। मान लो कि 11 किलो वोल्ट पे जनरेशन हो रहा है, तो 11 किलो वोल्ट बाय 66 किलो वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और ये ट्रांसमिशन लाइन है। एक्चुअली क्या होगा, थ्री फेज जनरेटर होगा, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, और तीन लाइन निकलेगी, लेकिन हम इसको एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम है। उसके बाद लोड एंड पे ट्रांसफार्मर लगा होगा, जो हैवी लोड होते हैं उसको ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ऑपरेट कराया जाता है। ठीक है, अलग अलग तरह के लोड होते हैं, अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के। तो यहाँ पे हम 11 किलो वोल्ट, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 60 किलो वोल्ट होगा, अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इनपुट पे 11 किलो वोल्ट लगाया है तो ट्रांसफार्मर की जो सीरीज वाइंडिंग होती है, जो सीरीज पैरामीटर्स होते हैं, उसमें भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। तो एग्जैक्टली 11 का 66 नहीं होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 11 बाई 66 मानेंगे, और यहाँ पे 66 बाई 11 किलो वोल्ट का। मैंने आपको ट्रांसफार्मर में ये बता रखा है कि ये 11 बाई 66 किलो वोल्ट का अगर ट्रांसफार्मर है, इसका ये मतलब नहीं कि आपने अगर यहाँ पे 11 कनेक्ट किया तो यहाँ पे आपको 66 मिलेगा, नहीं, ये इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप नहीं बताता, ये बस प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज और सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज का रेशियो बताता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो होता है, और यहाँ पे करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये वोल्टेज इसके, यहाँ पे 11 किलो वोल्ट लगाया तो यहाँ पे 10.9 किलो वोल्ट आएगा। अब इसका रेशियो 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे
कुछ इम्पीडेंस है फिर वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो अल्टीमेटली वोल्टेज कम आए। वो लोड पे भी डिपेंड करता है कि एक्सेप्शनल केस में वोल्टेज ज़्यादा भी आ जाता है जब लोड हाईली कैपेसिटिव हो। ओके, तो इस तरह से होगा। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर 11/66 का यहाँ पर हो सकता है 66/, ज़रूरी नहीं कि 11 का हो, और कम कर सकते हैं वोल्टेज को। ठीक है, इसके बाद ये लाइन आ जाएगी, यहाँ से हो सकता है ब्रांचेस निकल जाए और फर्दर इसको स्टेप डाउन किया जाए, या ये 66/ में इसको 11 था ना, 3.3 किलो वोल्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, 3300 वोल्ट हो गया, है ना। फर्दर इसको 3300 वोल्ट/400 वोल्ट इस तरह से कर दिया। कुछ लोड 400 वोल्ट पे भी ले लेंगे, ठीक है, हो सकता है कुछ लोड इससे हायर वोल्टेज पे भी ले। कुछ यहाँ से लाइन आ जाएगी, इसका फर्दर स्टेप डाउन करके, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह से स्टेप डाउन करके इसको, तो फाइनली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लोड लगा देंगे। तो ये सारे कंपोनेंट हमारे को अच्छे से आना चाहिए, जनरेटर की सारी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो जनरेटर का हम इससे मॉडल कर देंगे, है ना, जनरेटर में ठीक है एक सोर्स होगा, है ना, और एक इंडक्टेंस होगा, बस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट हो गया। ट्रांसमिशन लाइन को भी हम मॉडल करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन में क्या हो सकता है, है ना, ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, हर ट्रांसमिशन लाइन का अपना लीकेज इंडक्टेंस भी होता है, ठीक है, वो भी होगा। ठीक है, इस ट्रांसमिशन लाइन में जो फ्लक्स है, इस ट्रांसमिशन लाइन के फ्लक्स से भी इंटरेक्ट करता है, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और उसके रेजिस्टेंस की वजह से उसके रिएक्टेंसेज आ जाएंगे, रेजिस्टेंस आ जाएंगे। अगर लाइन वोल्टेज, दो लाइन बहुत हाई वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको कैपेसिटर का एक प्लेट मान सकते हो और इसको कैपेसिटर का दूसरा प्लेट मान सकते हो। ठीक है, अगर हाई वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है और एयर जो हो जाएगा वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करेगा, ठीक है, तो इस बीच में जो यहाँ पे करंट फ्लो होगी इसको भी हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दो प्लेट हो गए, दो वायर, और ये कैपेसिटेंस फॉर्म कर देते हैं, तो इस कैपेसिटेंस को भी हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे अगर ये हाई वोल्टेज लाइन है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको सब सारी वैल्यूज जो भी मैं बता रहा हूँ इन सब पे हम डेटा लेकर के कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कब हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और कब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं ना, बहुत सारे वायर्स होंगे, ठीक है, ये दो वायर कैपेसिटेंस फॉर्म नहीं कर रहे, या फिर अगर कर भी रहे तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नेग्लेक्ट है। तो हम देखेंगे वैल्यूज लेकर के कहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं और कहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो वायर में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस, तीनों को हमारे को स्टडी करना है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफार्मर तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर भी पढ़ा है, उसके बाद यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर है, और मैंने आपको बता रखा है कि नॉर्मली हमारे को रिसीविंग एंड पे इन्फॉर्मेशन होगी। रिसीविंग एंड पे आप जो भी लोड लगाओगे वो लोड आपको पता होगा, लोड की अपनी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका इम्पीडेंस और पावर फैक्टर गिवन होता है ना। कोई भी लोड है उसका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आपको पता होगा, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पता है तो उसका पावर फैक्टर पता चल जाएगा, तो पावर फैक्टर गिवन होगा, है ना, रिसीविंग एंड पे वोल्टेज पता होगा, रिसीविंग एंड पे वोल्टेज पता है, उसका इम्पीडेंस पता है तो करंट भी होगा। हम लोग नॉर्मली एक सर्किट में एक लोड को इसकी ओमिक वैल्यू से, हम ऐसे कहते हैं ना, ये जेड इक्वल टू 10 ओम है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में लोड को उसकी ओमिक वैल्यू से कैरेक्टराइज करते हैं, पावर सिस्टम में हम लोड को उसकी पावर वैल्यू से कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, हम ऐसे कहते हैं कि ये इतने वॉट का लोड है, जैसे आप बल्ब भी लेने जाते हो तो आप कहते हो 100 वॉट का बल्ब चाहिए, है ना, तो उसकी हम पावर रेटिंग से कैरेक्टराइज करते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे 100 वॉट के बल्ब की हम बात करें, तो 100 वाट के बल्ब का मतलब ये हो गया कि 220 वोल्ट पे वो 100 वाट देगा, अगर उसको वोल्टेज 220 वोल्ट मिल रहा है तो वो 100 वाट देगा। तो अगर आप इसको, उसके अंदर का रेजिस्टेंस फिक्स होगा, ठीक है, ये 220 वोल्ट है, ये 100 वाट का बल्ब है, तो इसके, इसका रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, R इक्वल टू हो जाएगा
इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 484 ओम है ना। अगर इसको 220 वोल्ट नहीं दो आपने, अगर इस बल्ब को एक सौ दस वोल्ट दे दिया है ना, और ये कितना है 484, तो वोल्टेज हाफ हो गया ना इसके अक्रॉस, तो पावर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस फिक्स है तो पावर 1/4 टाइम्स हो जाएगा है ना। तो अब ये 25 वाट देगा, सेम बल्ब अब 25 वाट देगा है ना, ठीक है। तो लेकिन ये बल्ब क्या है ना, 100 वाट का है, 25 वाट दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आप ये नहीं कहते हो कि ऐसा बल्ब दो जो 110 वोल्ट पे 25 वाट का दे, ठीक है, वो सेम बल्ब होगा। लेकिन मतलब आप जब आप इस बल्ब को सर्किट में यूज़ करने जा रहे हो, लेकिन आप श्योर हो कि इसके क्रॉस वोल्टेज जो होगा वो 220 वोल्ट होगा, ये कैसे श्योर हो आप? आपने सोर्स से इसको कनेक्ट किया वायर से, और इसके क्रॉस 220 वोल्ट तभी मिलेगा जब वायर का रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल, क्योंकि हाउस होल्ड यूज़ के लिए जो लाइन होती है ना, हम सिंगल फेज लाइन लेते हैं और इसके क्रॉस वोल्टेज 200 वोल्ट होता है, और सारे एपरेटस हम इसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर एक बल्ब कनेक्ट करोगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि बीच का जो रेजिस्टेंस हो इसकी वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकती, नेग्लिजिबल हो। तो यहाँ पे पावर रेटिंग का मतलब समझ में आया कि बल्ब की पावर रेटिंग फिक्स नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आप उसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स कर दो तो पावर रेटिंग फिक्स हो सकती है। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्यों लगाया जाता है, यहाँ से पावर का ट्रांसमिशन करना है ना। ट्रांसफार्मर हमने स्टेप अप करने के लिए लगाया, हम ये कहते हैं कि अगर आप हायर वोल्टेज पे पावर को ट्रांसमिट करो तो ट्रांसमिशन लाइन की जो वायर है उसमें करंट कम फ्लो होगी, ठीक है। करंट अगर कम फ्लो होगा, इसका रेजिस्टेंस पता है आपको है ना, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा है ना। हम इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पे 11 वोल्ट है, यहाँ पे 66 वोल्ट है। अगर आप ट्रांसफार्मर ना लगाएं, डायरेक्टली जनरेटर से इसको कनेक्ट कर दें, तो इसका वोल्टेज, वायर का वोल्टेज यहाँ पे 11 वोल्ट होगा, यहाँ पे 66 वोल्ट है ना, इसका रेजिस्टेंस आर है। आप कहेंगे कि फॉर अ फिक्स्ड पावर P इक्वल टू 66 इंटू आई होगा यहाँ पे, और फॉर द सेम फिक्स्ड पावर यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, 11 इंटू आई, तो यहाँ पे I इक्वल टू आ जाएगा P डिवाइडेड बाई 66 के वी, और यहाँ पे I इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 11 के वी। तो इस केस में तुम देखो I की वैल्यू कम आ रही है जब आपने ट्रांसफार्मर यूज़ कर लिया, और इस केस में I की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो ऑब्वियसली इस केस में करंट पावर लॉस जो होगा वो ज़्यादा आएगा। एक ये आर्गुमेंट है जब मैंने पी को फिक्स रख कर दिया, ठीक है। तो हम भी जब ये पढ़ते थे, मैं भी जब पढ़ता था, तो मुझे कन्फ्यूज़न ये होता था कि यहाँ पे करंट कम आ रहा है ना, अगर ज़्यादा वोल्टेज दोगे, रेजिस्टेंस फिक्स है, तो यहाँ पे करंट क्या आना चाहिए, 66/R, और यहाँ पे करंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा करंट, 11 के वी है ना, तो 11 के वी बाई आर। अब करंट किस केस में ज़्यादा आ रहा है, ऊपर वाले केस में है ना, तो पावर लॉस ऊपर वाले केस में ज़्यादा होना चाहिए, नीचे वाले केस में कम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने पी को अगर फिक्स किया, पी को कांस्टेंट माना, तो आई की वैल्यू कम आ रही है ना, आई इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई वी, वी ज़्यादा कर दो तो करंट कम हो जाएगी। पी को अगर फिक्स रखो, देन आई इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई वी, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। और दूसरा फार्मूला हम ये भी जानते हैं, V बाई आर, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आप ये फार्मूला कब यूज़ कर सकते हो, V डिवाइडेड बाई आर, हाँ, आप करंट का फार्मूला ये लिखोगे ना, जब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो, V हो, है ना। फार्मूला क्या होता है, करंट इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R होता है, ये कौन सा करंट होता है, कहाँ पे फ्लो करता है करंट, हाँ, रेजिस्टेंस, करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, यहाँ पे आई आर, और ये V होता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, सोर्स वोल्टेज नहीं होता ये,
मेरी बात समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस का करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब ट्रांसमिशन लाइन में आई इक्वल टू वी बाय रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ले रहा हूँ ना मैं, ये कब होगा? जब सोर्स से ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस हो और लोड एंड क्या हो, शॉर्ट सर्किटेड हो, तभी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो टोटल सोर्स वोल्टेज आएगा। सोर्स वोल्टेज यहाँ पे 66 किलो वोल्ट है ना, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन इस तरह से नहीं होता, ठीक है। अगर इस तरह से होता तो हम क्या लिखते, I इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, ये फॉर्मूला हम नहीं लिखते, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन कभी भी इस तरह से नहीं होता, हम लोड कभी शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते, ठीक है, फॉल्ट होगा, है ना, करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ट्रांसमिशन लाइन बर्न हो जाएगा, यहाँ से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगी। ट्रांसमिशन लाइन हेल्दी कंडीशन में हमेशा लोड के साथ कनेक्टेड होता है, ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम एक लोड लगा देंगे और लोड की जो ओमिक वैल्यू होती है, ठीक है, वो ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इसकी जो ओमिक वैल्यू होगी ये लोड से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आरएल लोड भी हो सकता है, आरसी लोड भी हो सकता है, उसी तरह से ट्रांसमिशन के जो पैरामीटर होंगे वो प्योर रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, आरएल भी हो सकते हैं, आरएलसी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। तो इस बस इस चीज़ की एनालिसिस के लिए मैं इसको भी रेजिस्टेंस ले ले रहा हूँ, इसको भी रेजिस्टेंस ले ले रहा हूँ, बस इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा लेंगे, है ना। और हम ये देखेंगे कि करंट की जो वैल्यू है ये रेजिस्टेंस डिसाइड नहीं करेगा। मैं इसको 100 ओम ले ले रहा हूँ या फिर 999 ओम ले ले रहा हूँ और इसको 1 ओम ले रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो कि ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है और ये लोड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मान लो कि 1000 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम करंट का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर लिख लो, आर एल लिख लो। अब तुम क्या आई इक्वल टू 1000/1 लिख सकते हो? यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू? हाँ हाँ, 1 होगी ना। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000/99+1। मान लिया कि तुम इस 1 को नहीं भी लो, अभी ये एग्जैक्टली 1 एम्पियर आ जाएगी। मान लो कि इस 1 को तुम नेगलेक्ट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 1000/99, ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 1.001 एम्पियर, है ना। तो यहाँ पे करंट इस ये ट्रांसमिशन लाइन है ना और ये लोड है, ठीक है। यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन डिसाइड कर रहा है या लोड डिसाइड कर रहा है, मेरी बात, ठीक है। तो हम यहाँ पे करंट को V बाई आर नहीं लिख सकते ना, ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डोमिनेट करता है, ठीक है। एक सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस डोमिनेट करेगा, ठीक है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी करंट उसी के अकॉर्डिंग फ्लो करेगी। सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस ज़्यादा है वही करंट को डिसाइड करेगा। तो अब समझ में आया कि एक ट्रांसमिशन लाइन में जिसका ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस अगर आर है और यहाँ पे वोल्टेज वी है, तो यहाँ पे करंट वी बाय आर नहीं कर सकते, क्योंकि लोड एंड पे एक बहुत हैवी, बहुत हाई वैल्यू का, ओमिक वैल्यू का लोड लगा होगा, तो ये लोड करंट को डिसाइड करेगा। और ये लोड कितना करंट लेगा ये इसके पावर रेटिंग पर डिसाइड डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हाई पावर रेटिंग का होगा तो इसके अंदर का रेजिस्टेंस जो होगा इसकी ओमिक वैल्यू कम होगी। अगर तुम इस 999 ओम को डबल कर दो, है ना, 1098 कर दो, तो अब करंट की वैल्यू क्या आएगी, जब लो मैं आई सोर्स इक्वल टू लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पे आर है, आर एल, आर इक्वल टू हर केस में 1 ओम है, आर एल इक्वल टू अगर 990 है तो करंट इक्वल टू 1 एम्पियर है, आर एल इक्वल टू अगर तुम 1098 कर दो तो कितना होगा करंट की वैल्यू, डबल कर दिया ना, डबल नहीं है ना, 1998 करते, अब डबल हो गया, अब करंट क्या होगा, करंट अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो जाएगा ना, आई इक्वल टू आ जाएगा 1000/1000
1998 + 1000 / 1999, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.5 एम्पियर। तो लोड की रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल करने से करंट क्या हो जा रहा है? हाफ हो रहा। हम ऐसे ही जानते हैं ना, रेजिस्टेंस बढ़ाओ तो करंट हाफ हो जाएगा, ये अभी भी इतना ही है। अगर इसको तुम डबल करो, इसको इतना ही रहने दो, इस पार्ट में क्या चेंज किया हमने? ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर दिया, ठीक है। अब करंट कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ही, मतलब एग्जैक्टली 0.5 होगा। मतलब इस केस से तुम देखो, जो चेंज आपने यहाँ पे किया था, लोड की रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल किया था, और यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल किया। जब यहाँ पे चेंज किया तो करंट हाफ हो गई, यहाँ पे जब चेंज किया तो करंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब समझ में आया कि ट्रांसमिशन लाइन का जो रेजिस्टेंस होगा वो करंट को डिसाइड ही नहीं करता है, ठीक है। करंट कहीं और से डिसाइड होता है, ठीक है, करंट लोड से डिसाइड होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन लोड करंट यहाँ पे क्या फ्लो होगा। अब तुम अगर वोल्टेज हाई करोगे, है ना, तो लोड की ओमिक वैल्यू भी हाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, सेम पावर के लिए करंट, अगर आप लोड फिक्स्ड है किसी पी पावर का चाहिए, है ना, तो पी को हम फिक्स मानेंगे, क्योंकि करंट ये डिसाइड नहीं करता, करंट लोड का पावर डिसाइड करेगा। और पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, नहीं, पावर इक्वल टू, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर, या फिर हम पावर इक्वल टू लिखेंगे वी इंटू आई। तो ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि करंट जो होगा लोड से डिसाइड होगा और लोड का पावर फिक्स्ड होता है पी बाई वी। तो अब ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉस होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, आई स्क्वायर इंटू आर, और आई की वैल्यू क्या होती है, पी बाई वी। तो पी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन, ये कांस्टेंट है, तो पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। देखो, जैसे सीरीज सर्किट में करंट कितना होगा, सीरीज सर्किट है तो करंट हर जगह बराबर ही होगा ना, इसलिए मैं लोड करंट सोर्स करंट अलग से नहीं कह रहा हूँ। करंट कितना होगा वो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी वो डिसाइड करेगा। एक पैरेलल सर्किट में सोर्स से कितना करंट फ्लो होगा ना, वो कम रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे ये 1 ओम ले लिया और ये 100 ओम ले लिया ना, और ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर, और यहाँ पे करंट कितना आएगा, 0.1 एम्पियर। टोटल करंट हो जाएगा 10.1 एम्पियर। अब इस करंट को अगर तुम नेग्लेक्ट कर दो, है ना, तो एक्चुअल 10.1 है, नेग्लेक्ट करने के बाद 10 आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर इस करंट को नेग्लेक्ट कर दोगे, है ना, तो 0.1 और 10.1 में तो बहुत फर्क है। तो सोर्स से करंट लोअर रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा, ठीक है। अब अगर हम वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, है ना, 11/66 kV किया है, अगर वोल्टेज को बढ़ाने से, स्टेप अप करने से पावर लॉस, ट्रांसमिशन लॉस कम हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। अगर हम इसको 11/66 kV ना करके और इसको हम 11/450 kV कर दें या 230 kV कर दें, है ना, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, तो फिर हाई वोल्टेज पे इंसुलेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। हाई वोल्टेज पे क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज अगर तुम बहुत ज़्यादा कर दो, है ना, तो अगर ये ग्राउंड भी है ना, तो ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड भी एक कैपेसिटर के प्लेट की तरह काम करता है, और ये भी प्लेट की तरह काम करता है, ठीक है। और एक कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होती है, ये क्या हो जाता है, V डिवाइडेड बाई 1 ओमेगा सी, अगर कैपेसिटेंस सी है तो, चार्जिंग करंट वी ओमेगा सी। वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा होगा, नॉर्मली सी की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है वायर और ग्राउंड के लिए, ना, सी की वैल्यू बहुत कम होती है, ना? तो अगर आप नॉर्मल वोल्टेज की वैल्यू अगर आप 230 वोल्ट रखें, तो ये करंट जो आ जाएगा, चार्जिंग करंट, अप्रॉक्सीमेटली 0 आ जाएगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू अगर आप, है ना, 230 kV रख दें, तो ये जो करंट है ये मिली एम्पियर में, या फिर हंड्रेड्स ऑफ मिली एम्पियर या टेंस ऑफ मिली एम्पियर में आ जाएगा, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो एक ये भी प्रॉब्लम आने लगती है उसके बाद, ट्रांसमिशन लाइन में कुछ सपोर्ट भी चाहिए होता है ना, ठीक है, हाँ। तो सपोर्ट देने के लिए
जिस फ्रेम पे आप रखोगे वहाँ पे इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हाई वोल्टेज पे इंसुलेशन की प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। मतलब हर मटेरियल की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि उतने वोल्टेज को वो टॉलरेट कर पाए, उसके अंदर के डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, और वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज पे इंसुलेशन की भी प्रॉब्लम आने लगती है। उसके बाद हाई वोल्टेज पे सबसे बड़ा फैक्टर है कोरोना लॉस, ठीक है, ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे ना तो ये लॉस फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेट होने लगेगा। तो एक जगह जब आप लॉस कम करने के लिए वोल्टेज बढ़ा रहे थे और लॉस बढ़ने लगा, है ना, तो कोरोना लॉस और ओमिक लॉस को ऑप्टिमाइज करके एक वोल्टेज की वैल्यू सेट की जाती है, इंसुलेशन को भी ध्यान में रखा जाता है ना, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके ना एक ऑप्टिमाइज ट्रांसमिशन वोल्टेज चूज किया जाता है, ठीक है, और इस पर ट्रांसमिट किया जाता है। अब पावर सिस्टम में जो कैलकुलेशन करेंगे हम, तो जैसे एक पावर सिस्टम को ही सॉल्व करना है, पहले एंड पे जनरेटर होगा, है ना, वहाँ पे फिर इसके बाद ट्रांसफार्मर, जनरेटर के बाद ट्रांसफार्मर, फिर से ट्रांसमिशन लाइन, फिर से ट्रांसफार्मर, उसके बाद ये लोड। अब अगर आप इसका कैलकुलेशन करना है, मान लिया कि यहाँ पे मैंने आपको वोल्टेज दे दिया, ठीक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट पता होगा, लोड पता है, वोल्टेज करंट और इसका पावर फैक्टर पता होगा। मान लो कि इसका रेजिस्टेंस पता है और रिएक्टेंस भी पता है, ट्रांसफार्मर है तो इसका भी अपना सीरीज रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस होगा, इस ट्रांसफार्मर का भी। आपको कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्राइमरी सेकेंडरी, ये प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, आप इसकी अगर इसी फॉर्म में कैलकुलेशन करें तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एनालिसिस लेकिन अगर हम पर यूनिट सिस्टम पे करें तो वो बहुत आसान होगा, मेरी बात समझ में। तो इसके लिए हम पहले पर यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे और हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे पर यूनिट एक बार इसी मेथड से करेंगे, ठीक है, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा करना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम पर यूनिट सिस्टम का यूज़ करके सॉल्व करें तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा, तो वो हम न्यूमेरिकल करके देखेंगे। पहले हम लोग पर यूनिट सिस्टम पढ़ लेते हैं। हम लोग अभी ट्रांसफार्मर पढ़े तो सबसे पहले पर यूनिट को हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से ही पढ़ेंगे, है ना। ये मैंने जो वैल्यूज़ ली है, ज़रूरी नहीं कि ये प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हो, बस मैंने समझाने के लिए ये वैल्यूज़ ले ली हैं। अगर ये रेटिंग दी हुई है तो यहाँ से हम ये समझेंगे कि 500 वोल्ट जो है ये ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी का बेस वोल्टेज है, ठीक है, और 200 सेकेंडरी का बेस वोल्टेज है। तो प्राइमरी साइड में हम बेस वोल्टेज डिफाइन कर देंगे, है ना, इतना, और सेकेंडरी साइड में बेस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट। ये रेटेड वोल्टेज है ट्रांसफार्मर का, मैंने बताया था रेटेड वोल्टेज, जो रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट, रेटेड इम्पीडेंस, ये साइड टू साइड डिपेंड करेगा, ठीक है, पावर डिपेंड नहीं करेगा ना? जितना E1 I1 होता है या फिर V1 I1 होता है अगर हम लॉसेस ना लें, उतना ही V2 I2 होता है, ठीक है। और इसका पावर रेटिंग क्या है, KVA रेटिंग। तो प्राइमरी साइड में या फिर हम हाई वोल्टेज साइड में, ये हाई वोल्टेज साइड है और ये लो वोल्टेज साइड है, हाई वोल्टेज साइड में बेस करंट क्या हो जाएगा, 10 KVA डिवाइड बाई 500, है ना, 20 एम्पियर। देखो ये सारी रेटेड वैल्यूज़ है, मैं इसको बेस वैल्यू लिख रहा हूँ। नॉर्मली पर यूनिट सिस्टम का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने में नॉर्मली हम रेटेड वैल्यू को बेस वैल्यू ले लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी बेस वैल्यू यूज़ कर सकते हो, उस बेस वैल्यू के बेसिस पे आप कैलकुलेशन करो, आपका कैलकुलेशन गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली रेटेड वैल्यूज़ को हम बेस वैल्यू ले लेते हैं। तो सेकेंडरी साइड में या फिर लो वोल्टेज साइड में बेस करंट क्या हो जाएगा, 50 एम्पियर। इस साइड में प्राइमरी साइड में जेड बेस क्या होगा, वी बेस बाई आई बेस, ये 25 ओम आ जाएगा, यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 ओम। इसको मैं, ये हाई वोल्टेज साइड का, इसको मैं 1 लिख देता हूँ, जेड बेस 1 और ये जेड बेस 2, ठीक है।
कोई भी इम्पीडेंस होगा ट्रांसफार्मर के फर्स्ट साइड या सेकेंड साइड में, इम्पीडेंस की जो एक्चुअल वैल्यू होगी ये टर्न रेशियो के स्क्वायर को फॉलो करेगा, ठीक है। वोल्टेज क्या होगा, सिंपली टर्न रेशियो को फॉलो करेगा, और करंट इनवर्स ऑफ टर्न रेशियो को फॉलो करेगा। तो ये सारी बेस वैल्यूज डिफाइन करती हैं हमने। अगर आपने यहाँ पे इनपुट में 500 वोल्ट ना लगा करके सपोज 400 वोल्ट लगाए, तो हम पर यूनिट सिस्टम में ये कहेंगे कि इनपुट वोल्टेज की जो पर यूनिट वैल्यू होगी वो इनपुट वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय वोल्टेज की बेस वैल्यू ऑन प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड में किसी भी वोल्टेज की पर यूनिट पता वैल्यू पता लगाने के लिए हम एक ही बेस है ना प्राइमरी साइड में, उसी से डिवाइड करेंगे हमेशा। सेकेंडरी साइड में वोल्टेज की पर यूनिट पता लगाने के लिए जो भी एक्चुअल वोल्टेज है उसको सेकेंडरी साइड के बेस वोल्टेज से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 डिवाइडेड बाई 500, 0.8, यहाँ पे आगे क्या लिखूँ, वोल्ट लिखूँ, क्या लिखूँ, पर यूनिट वैल्यू यूनिट लेस होगा ना, क्योंकि वोल्ट बाई वोल्ट इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब हम इस पे ना कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 400 वोल्ट नहीं लगाया, ये सब रहने देता हूँ मैं। ये मान लो 1+j2 है, और यहाँ पे टू पॉइंट फाइव प्लस सिक्स, ये मान लो 0.1+j0.2 है, और रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है ये मान लो कि रेटेड करंट ड्रॉ कर रहा है, रेटेड करंट ड्रॉ कर रहा है ये 480 वोल्ट, ठीक है। 0.8 पावर फैक्टर का लोड है जो कि रेटेड करंट ड्रॉ कर रहा है। आउटपुट वोल्टेज कितना है, 480 वोल्ट, एक मिनट में इसको 450 वोल्ट कर दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करके देखो, अब आपको ये बताना है कि इनपुट वोल्टेज कितना होगा। मैंने ट्रांसफार्मर के शंट पैरामीटर नेग्लेक्ट कर दिए, पॉइंट एट पावर फैक्टर लैगिंग, इसको तुम नॉर्मल कैलकुलेशन से करो, फिर इसको हम पर यूनिट सिस्टम से करेंगे। हम एक काम करते हैं, इस सर्किट को इस साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज पता है ना, ठीक है, ये वोल्टेज पता लगाना है, ठीक है, ये वोल्टेज पता लगाना है, तो इसी को हम इस साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये सर्किट तो एज इट इज रहेगा, ट्रांसफ़र कैसे करोगे, मैंने कहा था कि आप इन दोनों को हटा दो, वाइंडिंग्स को मिटा दो, और इसको ज्वाइन कर दो। चूँकि इसको इस साइड लाए हो तो इसकी वैल्यू, यहाँ की सारी वैल्यू टर्न रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो हमारे को ये इनपुट वोल्टेज पता लगाना है, यहाँ पे 1+j2, उसके बाद ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1, और इधर जाएगा तो ये 6.25 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 0.625, और ये इसका डबल है 1.25, और ये लोड। यहाँ से आप क्या कर रहे हो, आप हाई वोल्टेज साइड में जा रहे हैं ना, तो ये मैंने 450 वोल्ट दिया हुआ है, ये इसको हटा दो, 450 नहीं, हम मान लेते हैं कि ये 180 वोल्ट है। तो ये 180 वोल्ट इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180/2 × 5, 450 वोल्ट हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये V2 की वैल्यू नहीं, V2 को जब ट्रांसफ़र कर दिया गया तो इसको हम लिखेंगे ये V2 - की वैल्यू है। ये तो ट्रांसफ़र करना हो गया। अब यहाँ से तुम सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो और पर यूनिट में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। सिंपल कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, हमारे को पता है कि यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड कितना है,
रेटेड करंट है, तो ये कौन सा साइड है, फर्स्ट साइड है या सेकंड साइड है? हाई वोल्टेज साइड में आप कैलकुलेशन कर रहे हो या लो वोल्टेज साइड में? हाई वोल्टेज साइड में, तो रेटेड करंट हाई वोल्टेज साइड का लेंगे। रेटेड करंट कितना है हाई वोल्टेज साइड का? 20 एम्पियर। अगर इस वोल्टेज को अगर आप जीरो लेते हो, रेफरेंस लेते हो, है ना, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे है, तो मतलब करंट रिसीविंग एंड करंट जो होगा वो रिसीविंग एंड वोल्टेज को, और किसी वोल्टेज को नहीं, रिसीविंग एंड वोल्टेज को 36.86 डिग्री से लैग करेगा। तो ये जीरो है तो इसको हम लैग 36.86 डिग्री दिखा देंगे, है ना। अब ये जो वोल्टेज होगा वी एस इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, 1.625 प्लस जे 3.25 450 एंगल ज़ीरो, है ना। और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ये 20 एंगल माइनस 36.86 डिग्री, तो ये वी एस इक्वल टू आ जाएगा 450 एंगल ज़ीरो प्लस 20 एंगल माइनस 36.86, है ना, इनटू 1.625 प्लस जे 3.25। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो सीधे मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है 3.25 और इस क्वांटिटी का एंगल कितना है 90 डिग्री, जे को अगर हटाओगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब आप ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कर सकते हैं। अभी हम लोग पर यूनिट सिस्टम पढ़ रहे हैं, 516.08 एंगल 3.61, ठीक है। अब यही कैलकुलेशन हम पर यूनिट सिस्टम में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप पर यूनिट सिस्टम से करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इससे बढ़िया तो आसानी है, ये स्ट्रेट वे में कर लें ना, पर यूनिट सिस्टम डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। अगर आप इजी सर्किट की बात करें ना, जहाँ पे ज़्यादा ट्रांसफार्मर इन्वॉल्व नहीं है, ज़्यादा बड़ा सर्किट नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपको स्टेट कैलकुलेशन ज़्यादा सिंपल लगेगी, ठीक है। लेकिन जब आप बड़े सर्किट में जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, वहाँ पर यूनिट सिस्टम आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो लेकिन हम इस एग्जाम्पल के थ्रू पर यूनिट सिस्टम को यूज़ कैसे करेंगे ये सीख लेंगे। तुम ट्रांसफ़र तो कर सकते हो, ये ट्रांसफ़र कर दिया हम। अब हम इस पर यूनिट सिस्टम में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है ना ये ओम में नहीं होगी, सबकी वैल्यू को हम पर यूनिट वैल्यू में लिखेंगे। जैसे हमारे को इनपुट वोल्टेज पता लगाना है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लिखेंगे, ये कौन सा साइड है, हाई वोल्टेज साइड है। अपनी कॉपी में देखो, हाई वोल्टेज साइड में जेड की बेस वैल्यू क्या है, इम्पिडेंस की 25 ओम है हाई वोल्टेज साइड में। तो अब इसको हम लिखेंगे, ये जो रेजिस्टेंस होगा ये पर यूनिट में 1.625 डिवाइडेड बाई 25 होगा, ये कितना आ जाएगा 0.065। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.13, जे 0.13 हाई वोल्टेज साइड है। यहाँ पे इस वोल्टेज को तुम कितना लिखोगे 0.9 PU, जो भी एक्चुअल वोल्टेज है इसको तुम बेस वोल्टेज से डिवाइड कर दो, तो 500 से डिवाइड करोगे तो ये 0.9 एंगल 0 PU। तो आपको ये वोल्टेज पता लगाना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, रेटेड करंट है, है ना, तो बेस करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट, करंट यहाँ पे 1 एंगल माइनस 36.86 डिग्री। तो हम सोर्स वोल्टेज इक्वल टू लिखेंगे 0.9 एंगल 0 प्लस 1 एंगल माइनस 36.86 इंटू 0.0, वीडियो में पॉइंट ठीक से आता नहीं है, 0.065 प्लस जे 0.13। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, सारी वैल्यू हमने पर यूनिट में ली है तो सोर्स वोल्टेज की वैल्यू आएगी, ये भी पर यूनिट में आएगी 1.135
वन, एंगल 3.61 ही आएगा. और ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1.032. ठीक है, ये सोर्स वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू आई है. अगर आप एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पर यूनिट वैल्यू इक्वल टू होता है एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू. तो एक्चुअल वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अब सोर्स वोल्टेज की ये पीयू वैल्यू है, सोर्स वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 1.032 इंटू, है ना, हम हाई वोल्टेज साइड में, हाई वोल्टेज साइड में बेस वोल्टेज 500 है, ये 516 आ जाएगा. ठीक है, तो पर यूनिट सिस्टम में आपको पूरे कैलकुलेशन में ये बहुत हायर वैल्यूज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, 450, 2600 इस तरह से यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ना? क्योंकि आप उतनी अप्रॉक्सीमेटली उतनी वैल्यू से डिवाइड करके उसको आप, है ना, 0.9, 0.8, 0.7 इस तरह से ले आओगे, 1.1. ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं. जैसे इस ट्रांसफॉर्मर में आप क्या किए थे, प्राइमरी साइड में ले गए थे ना पूरे ट्रांसफार्मर को, है ना, तो ये कौन सी वैल्यू है, आर ई वन, है ना, ये एक्स ई वन. यहाँ पे ये क्या है, आर ई वन की पी यू वैल्यू और ये एक्स ई वन की पर यूनिट वैल्यू. अब अगर आप इस ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी साइड में ट्रांसफॉर्म कर दें, है ना, तो जो इम्पीडेंस आएगा, है ना, अगर आप इसको सेकेंडरी साइड में ले जाएं, इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से, इसको ज्वाइन कर दो, और प्राइमरी को इस साइड ले आए हो ना, तो दिस इज नो लॉन्गर वी वन, है ना, दिस इज नहीं वी टू डैश, नहीं वी वन डैश ही होगा ना, वी वन डैश, और ये एज इट इज वी टू डैश. यहाँ पे पहले करंट कौन सी फ्लो हो रही थी, I2, तो यहाँ पर भी हम इसको I2 से डिनोट करेंगे. शंट पैरामीटर हमने नेगलेक्ट कर दिया है. अब जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे, उसको तुम क्या लिखोगे, आर ई टू प्लस जे एक्स ई टू. अच्छा, मैंने आर ई वन और आर ई टू में रिलेशन बताया है, ये सारे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, टर्न रेशियो के स्क्वायर को फॉलो करते हैं. तो अगर तुम आर ई टू पी यू पता लगाओ, तो आर ई टू पी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ई टू डिवाइडेड बाय जेड बेस सेकेंडरी साइड का. ठीक है, और अगर आर ई वन पी यू पता लगाओ, तो आर ई वन की एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय जेड बेस प्राइमरी साइड का. इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होगा, क्योंकि जिस रेशियो में, जो रेशियो आर ई वन और आर ई टू का होगा, ये दोनों भी एक दूसरे से क्या होता है, टर्न रेशियो का स्क्वायर का रेशियो होता है ना दोनों के बीच में, और बेस वैल्यू में भी टर्न रेशियो के स्क्वायर का रिलेशन होता है ना, तो दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी यू वैल्यू होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, वो सेम होगी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू सेम नहीं होगी, एक्चुअल वैल्यू टर्न रेशियो का रिलेशन होगा, टर्न रेशियो के स्क्वायर का रिलेशन होगा. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस वैल्यू में भी टर्न रेशियो के स्क्वायर का रिलेशन है, है ना, और दोनों टर्न स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, है ना. तो आर ई टू पी यू इक्वल टू आर ई वन पी यू होगा, है ना, किसी भी साइड में आप ट्रांसफ़र कर दें. ठीक है, देखो हाई वोल्टेज साइड में अगर ट्रांसफ़र करोगे तो रेजिस्टेंस की सारी वैल्यूज हाई हो जाएंगी ना. यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो कितने का था, 2.5 का था ना, तो 2.5 का स्क्वायर 6.25 आ जाएगा. तो हायर साइड में अगर ट्रांसफ़र करोगे तो जो लोअर इम्पीडेंस है, जो सेकेंडरी साइड का इम्पीडेंस है, वो 6.25 टाइम्स बढ़ जाएगा. लेकिन उस साइड में बेस वैल्यू भी तो बढ़ जाती है, तो वो रेशियो तो फिर से सेम ही आना. ठीक है, तो पी यू वैल्यू का एडवांटेज, एक एडवांटेज समझ में आया कि ट्रांसफार्मर के अलग अलग साइड में आपको टर्न रेशियो को डील करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जैसे अगर हम एक्चुअल वोल्टेज की बात करें, चलो अभी वोल्टेज की बात नहीं करते,
तो आप किसी भी साइड, अब हम ये नहीं लिखेंगे कि आर ई वन पी यू और आर ई टू पी यू नहीं लिखेंगे, हमें पता है ये दोनों सेम ही होता है, तो हम सिंपली आर इक्विवेलेंट पी यू लिख देंगे. उसी तरह से एक्स इक्विवेलेंट पी यू या फिर जेड इक्विवेलेंट पी यू, जेड ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये प्राइमरी साइड में हाई वोल्टेज साइड में ट्रांसफॉर्ड है ना, तो इसको हम वी टू डैश कहेंगे, ये वी वन कहेंगे ना. यहाँ पे जो भी लोड होगा ये भी ट्रांसफर्ड लोड होगा, इसको हम जेड एल डैश कहेंगे है ना. सेकेंडरी साइड में अगर एक्चुअली जेड एल है तो ट्रांसफर करोगे तो जेड एल डैश हो जाएगा. ये आर ई वन और ये एक्स ई वन है. और प्राइमरी साइड का जो रेटेड वोल्टेज है वी वन रेटेड, दिस इज इक्वल टू 500 वोल्ट है ना, और इसकी के वी ए रेटिंग 10 के वी है. तो इसके बेसिस पे इसी को हमने बेस मान लिया था, जो भी वोल्टेज की रेटिंग है ना उसी को हमने बेस मान लिया था ना. इसके बेसिस पे आर वन पी यू कितना आया, वन आर वन पी यू की वैल्यू क्या आई थी, 0.0 ये आई थी आर वन की वैल्यू 0.065. ये हमने बेस वैल्यू लिया था. हम बेस वैल्यू अगर ये ना लेकर के 10 के वी ए और 250 वोल्ट लें, अब आर वन पी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी. पी यू लिख रहे हैं तो मैं वन हटा दे रहा हूँ, अब क्योंकि हम जान चुके हैं कि वन और सेकेंड साइड में टू साइड में सेम ही होगा. अब आर पी यू की वैल्यू क्या होगी, ये बेस वैल्यू है, ये मैंने क्या बताया वी ए की बेस वैल्यू है ना, वोल्ट एम्पियर की बेस वैल्यू, और ये वोल्टेज की बेस वैल्यू. तो वोल्टेज की बेस वैल्यू पता है, वी ए की बेस वैल्यू पता है, तो करंट की बेस वैल्यू पता चल जाएगी. वोल्टेज और करंट का बेस वैल्यू पता है तो जेड की बेस वैल्यू, और जेड की बेस वैल्यू पता है तो आर पी यू. तो जेड की बेस वैल्यू हम लिखेंगे वी बेस डिवाइडेड बाई आई बेस. और नॉर्मली पावर सिस्टम में आपको वी बेस और आई बेस नहीं दिया रहेगा, वी बेस दिया रहेगा और एम वी ए दिया रहेगा. तो आई बेस को हम कैसे पता लगाएंगे, वी बेस डिवाइडेड बाई आई बेस को हम वी ए बेस वोल्ट एम्पियर बेस डिवाइडेड बाई वी बेस लिख सकते. तो जेड बेस इक्वल टू हो जाएगा है ना, वोल्टेज बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी ए बेस है ना. तो आर ई पी यू क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू. तो एक्चुअल वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, ये तो हमेशा 1.625 रहेगा है ना. आर एक्चुअल डिवाइडेड बाय जेड बेस ये आ जाएगा वी बेस स्क्वायर इनटू एम वी ए बेस ना लिख करके मैं वी ए बेस ही लिखूंगा. ठीक है ए सी फॉर एक्चुअल. इसका ये मतलब है कि R एक्चुअल तो सेम रहेगा, ये तो कभी नहीं बदल सकता है, बेस आप अलग अलग चूज़ कर सकते हो. तो अलग अलग डिपेंड करता है कि आपने बेस क्या चूज़ किया है, इसके इस पे रेजिस्टेंस की पी यू वैल्यू अलग अलग आ सकती है ना. ठीक है, तो एक ही रेजिस्टेंस की पी यू वैल्यू अलग अलग आ सकती है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि पी यू वैल्यू आपके बेस के अजम्पशन पर डिपेंड करता है. जैसे यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करें तो एक्चुअल वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे जो आया है ये क्या होगा, आर एक्चुअल डिवाइडेड बाय इस केस में वी बेस कितना था 500 स्क्वायर, यहाँ पे तुम लिखोगे 500 स्क्वायर इंटू 10,000, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे आर एक्चुअल डिवाइडेड बाय 250 स्क्वायर इंटू 10,000. अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 500 का स्क्वायर है, यहाँ पे 250 का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू 4 टाइम्स ज़्यादा आएगी ना, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसका 4 टाइम्स आ जाएगा.
तो यहाँ पे अगर वैल्यू 0.0653, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.26। ठीक है, तो पी यू वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आपने बेस वैल्यू क्या लिया, ज़्यादा बेस वैल्यू लोगे तो कैलकुलेशन में पी यू की वैल्यू ज़्यादा दिखेगी आपको, है ना। वोल्टेज बेस अगर ज़्यादा लोगे, है ना, तो उसमें उस केस में पी यू वैल्यू कम दिखेगी, एक्चुअल वैल्यू हमेशा उतनी रहेगी। अब अगर सिर्फ एक ट्रांसफार्मर पे कैलकुलेशन करना है ना, तो बेटर ये रहेगा कि जो ट्रांसफार्मर की रेटेड वैल्यू है ना, उसी को बेस चूज़ कर लिया जाए। लेकिन एक पावर सिस्टम में सिर्फ एक ट्रांसफार्मर नहीं होता, ट्रांसफार्मर भी होता है, जनरेटर भी होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन भी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो जनरेटर की रेटिंग है, जो जनरेटर की वोल्टेज रेटिंग है या जो जनरेटर की पावर रेटिंग है, वही ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग हो। दोनों की पावर रेटिंग अलग अलग एमवीए आ सकती है, लेकिन आपको बेस कोई एक चूज़ करना है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, या तो ट्रांसफार्मर की बेस रेटिंग को बेस ले लेंगे या फिर जनरेटर की रेटिंग को बेस ले लेंगे, ठीक है। ये डिपेंड आपको कैलकुलेशन कर, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी रेटेड वैल्यू को बेस लेने पे आपका कैलकुलेशन आसान होगा। ये प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा, ठीक है। नॉर्मली एक पावर सिस्टम में जहाँ ट्रांसफार्मर जनरेटर, दो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है, जनरेटर भी लगे होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन भी होती है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन का दिया होता है कि यह ट्रांसमिशन लाइन इतने वोल्ट की है, ठीक है। तो उस वोल्ट को हम क्या कर देते हैं, वोल्टेज का बेस वैल्यू ले लेते हैं। और ट्रांसफार्मर या जनरेटर में से किसी अगर ज़्यादा जनरेटर लगे हुए हैं सेम रेटिंग के, तो उसी को बेस ले लो, है ना, उसको बेस ले लेते हैं। आप किसी केवीए बेस भी कोई कुछ भी ले सकते हो, वोल्टेज बेस भी कुछ भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करो, उसी के अकॉर्डिंग पी यू वैल्यू आएगी। और जब कन्वर्ट करोगे तो फिर से सेम बेस यूज़ करोगे, जब एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो रिवर्स प्रोसेस करोगे, ठीक है, तो आपकी एक्चुअल वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। अभी तक हमने पर यूनिट सिस्टम सिंगल बेस पे पढ़ा ना, ठीक है, लेकिन पावर सिस्टम में है ना प्रैक्टिकली ज़्यादातर थ्री फेज सिस्टम होते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में सिंगल फेज सिस्टम को पढ़ना ज़्यादा आसान है ना? तो हम यहाँ पर यूनिट सिस्टम का अगर आप यूज़ करके थ्री फेज सर्किट को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना? अगर आप थ्री फेज सर्किट लेते हो तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि स्टार है या डेल्टा है ना, क्योंकि स्टार में लाइन करंट फेज करंट बराबर होती है, सेम होती है, और वोल्टेजेस अलग अलग होते हैं। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम होते हैं, करंट्स अलग अलग होती है ना। ओके, तो हम लोग थ्री फेज सिस्टम में पर यूनिट वैल्यूज़ का पर यूनिट सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये मान लेते हैं कि ये थ्री फेज बैलेंस्ड लोड है, थ्री फेज ये बैलेंस्ड सोर्स है, ये थ्री फेज सोर्स है, इसको हम ये भी कह सकते हैं ये थ्री फेज जनरेटर है। अब थ्री फेज जनरेटर को इसी तरह से दिखाओगे, मान लेते हैं कि ये जो थ्री फेज जनरेटर है ये 10 एमवीए का जनरेटर है, 10 मेगावोल्ट एम्पियर का, और 11 केवी का है। स्टार कनेक्टेड जनरेटर लिया हमने, तो सबसे पहली बात ये जनरेटर की जो रेटिंग दी हुई है, और ये जो ये एमवीए रेटिंग है और ये वोल्टेज रेटिंग है, तो ये तीनों फेज का मिला करके दिया हुआ है या एक फेज का दिया हुआ है? अगर ये जनरेटर की रेटिंग दी हुई है तो ये थ्री फेज रेटिंग दी हुई है, मतलब इस फेज की भी जो रेटिंग है, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज इंटू मैक्सिमम करंट क्या होगा, 10/3 एमवीए, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज इंटू मैक्सिमम करंट, वाइंडिंग है तो मैक्सिमम वोल्टेज फ्लक्स से डिसाइड होगा, सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज फ्लक्स से कोर से डिसाइड होगा, और मैक्सिमम करंट वाइंडिंग से डिसाइड होगा जैसे ट्रांसफार्मर में होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट 10/3 एमवीए, और उनको ऐड कर दो तो ये 10 एमवीए। तो ये तीनों फेज का मिला करके थ्री फेज रेटिंग दिया हुआ है। इसी तरह से थ्री फेज सिस्टम में जो हुई वोल्टेज रेटिंग दी होगी, जैसे मैंने ट्रांसफार्मर में बताया था ना, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज रेशियो होता है वो लाइन वोल्टेज होता है ना, लाइन प्राइमरी सेकेंडरी लाइन वोल्टेज टू प्राइमरी लाइन वोल्टेज। उसी तरह से जनरेटर में जो वोल्टेज रेटिंग दी होगी वो जनरेटर की लाइन टू लाइन वोल्टेज दी होगी, चाहे ये स्टार में कनेक्टेड हो चाहे डेल्टा में कनेक्टेड हो। डेल्टा में कनेक्टेड होगा तो ठीक है, वो फेज वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज दिया हुआ है ये लाइन वोल्टेज है, और ये इसको हम लिखेंगे के वी ए रेटिंग या फिर
मैं इसको वी ए रेटिंग ही लिखूंगा, भले इसकी वैल्यू मेगा वोल्ट में है, सिंपली वी ए रेटिंग लिखूंगा थ्री फेस, ठीक है। और ये लाइन टू लाइन वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको करंट की कैलकुलेशन करनी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, या फिर इस पूरे सिस्टम में मान लो कि ये बैलेंस लोड नहीं है तो हर फेज़ में अलग अलग करंट फ्लो होगा, हर फेज़ के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। ये टोटल एक सिस्टम बन गया ना, जनरेटर एंड लोड सिस्टम, हर लोड के अक्रॉस अगर वोल्टेज अलग अलग होगा तो फिर मान लो कि इसका हमारे को PU में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अब ये जनरेटर या फिर ये टोटल सिस्टम स्टार में कनेक्टेड हो या डेल्टा में कनेक्टेड हो उसको नहीं देखना हमारे को, हम सबकी फेज़ वोल्टेज की सारी फेज़ क्वांटिटीज़ की बेस वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही जनरेटर है ना, तो जनरेटर की ही जो रेटिंग है उसी को हम बेस वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। लेकिन बेस वैल्यू हम किसकी डिसाइड करेंगे, फेज़ क्वांटिटीज़ की, ना कि लाइन क्वांटिटीज़ की। तो अगर रेटेड लाइन टू लाइन वोल्टेज 11 किलो वोल्ट है तो फेज़ टू न्यूट्रल, या फिर सिंपली इसको मैं फेज़ वोल्टेज कह सकता हूँ, इसकी रेटेड वैल्यू क्या होगी, है ना। अगर ये वोल्टेज लाइन 11 किलो वोल्ट दिया हुआ है तो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या हो जाएगा, 11/√3। अब ये कह सकते हैं ना कि फेज़ वोल्टेज की जो रेटेड वैल्यू होगी ये 11/√3 होगी, इसी को हम बेस वोल्टेज ले लेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। और बेस करंट कैसे पता लगाएंगे, हम सबका फेज पता लगाएंगे ना, ठीक है। तो करंट क्या होता है, रेटिंग डिवाइडेड बाय VA रेटिंग डिवाइडेड बाय वोल्टेज रेटिंग, क्योंकि हमारे को फेज का पता लगाना है, बेस की हम सारी वैल्यू फेज बेसिस पे पता लगाएंगे। तो I बेस इक्वल टू VA बेस, किसका, थ्री फेज का या सिंगल फेज का, डिवाइडेड बाय V बेस, हम सारी बेस वैल्यू जो है वो सिंगल फेज का पता लगाएंगे, ठीक है, थ्री फेज का नहीं। तो यहाँ पे VA किसका यूज करेंगे, सिंगल फेज का। अब यहाँ पे थ्री फेज रेटिंग क्या है, 100 है, तो यहाँ पे हम 10 MVA है ना, 10/3, ठीक है, MVA में है तो 10^6, मैंने वोल्ट एम्पियर लिखा है तो वोल्ट एम्पियर कितना हो जाएगा, 10^6 वोल्ट एम्पियर होगा ना, तो यहाँ पे मैंने 10^6 कर दिया, 10^6 होगा, 10^7 होगा, 10 MVA है ना, 10 × 10^6 है ना, 10/3 पहले से लिखा ही हुआ है, ठीक है। और वोल्टेज भी हम क्या लेंगे, सिंगल फेज का लेंगे, तो सिंगल फेज का वोल्टेज क्या है, 11/√3 × 10^3। तो अब बेस करंट की वैल्यू आ जाएगी 8 × 3 हो जाएगा, 10√3/3 × 11 × 10^3 एम्पियर ना, ये कैलकुलेट कर लो जितना भी आ जाए, 10/11√3 × 10^3 एम्पियर, ठीक है। आपको बेस करंट पता चल गया ना, बेस वोल्टेज पता चल गया ना, तो आप बेस इम्पीडेंस पता लगा सकते हो। बेस इम्पीडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस करंट, बेस वोल्टेज है 11/√3। मैं अब इसको वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको अननोन में लिख रहा हूँ, जेड बेस इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, देखो थ्री, इसको थोड़ा देखना, जेड बेस को हम सिंगल फेज पे ले रहे हैं ना, तो सिंगल फेज वोल्टेज है ना, मैं इसको फेज वोल्टेज लिखूँ, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेज करंट। अब मैं इसको लिखूँगा फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय फेज करंट क्या हो जाएगा, चाहे कनेक्शन डेल्टा हो या स्टार हो, है ना, थ्री फेज VA जो होता है, VA रेटिंग जो होता है, ये थ्री फेज, ये हमेशा √3 × VL × IL होता है, या फिर इसको छोड़ो, इसको तुम ऐसे लिखोगे, करंट इक्वल टू क्या होता है, VA डिवाइडेड बाय वोल्टेज है ना,
तो वी ए तुम क्या लिखोगे, सिंगल फेज डिवाइडेड बाई वी फेज, हम इसको लिखेंगे वी फेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी ए सिंगल फेज को तुम वी ए थ्री फेज डिवाइडेड बाई थ्री लिख सकते हो। थ्री फेज की रेटिंग जो होगी वो सिंगल फेज रेटिंग बाई थ्री होगी, तीनों का मिला करके रेटिंग कितना है 10, तो एक का 10 बाई थ्री आ रहा है, तो इसको हम वी फेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी ए थ्री फेज डिवाइडेड बाई थ्री लिखेंगे। तो थ्री को मैं ऊपर ले जाऊं, जेड बेस इक्वल टू, अब अगर मैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे को ना सबसे पहले जो वोल्टेज जनरेटर का दिया रहेगा वो सारी लाइन क्वांटिटीज दी रहेंगी, थ्री फेज रेटिंग दिया रहेगा और लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया रहेगा, तो अगर तुम उसका जेड बेस सीधे लाइन वोल्टेज और लाइन पैरामीटर के टर्म में पता लगाना चाहते हो तो ये थ्री पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये सिंपली वी एल लाइन टू लाइन वोल्टेज स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा रूट थ्री वी एल एल इंटू आई एल, तो जेड बेस इक्वल टू वी एल एल कैंसिल हो जाएगा, वी एल एल डिवाइडेड बाई, नहीं हम इतना नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे क्योंकि ये आपको थ्री फेज का तो दिया ही रहेगा ना, सिंपली जेड बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा लाइन टू लाइन वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री फेज रेटिंग ना। तो ये फार्मूला काफ़ी सिमिलर फार्मूला हो गया ना, हम जेड बेस का सीधे से फार्मूला जाते हैं वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेटिंग, तो थ्री फेज सिस्टम में भी हम ये कहेंगे कि लाइन टू लाइन वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री फेज रेटिंग, हमने फेज से स्टार्ट किया बट हम यहीं पे आ गया फार्मूला, ये हम डेल्टा में भी प्रूव कर सकते हैं, डेल्टा में भी वी एल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री फेज रेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर अनबैलेंस लोड दिया हुआ है या कोई भी लोड दिया हुआ है, ठीक है, लोड की ओमिक वैल्यू पता होगी, बेस वैल्यू पता है, तो सबको पर यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज मान लिया कि रेटेड वोल्टेज है, तो यहाँ पे भी 1 PU, 1 PU, 1 PU, अगर बैलेंस है तो 1 एंगल 0, 1 एंगल -120, 1 एंगल +120, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज पता है, तो इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे हमने 3 PA² = VLL² लिख दिया ना, ये तो सिर्फ स्टार्ट के केस में वैलिड है ना, ये तो सिर्फ स्टार्ट के केस में वैलिड है ना, डेल्टा के केस में इसको प्रूफ कर सकते हो, इतना फार्मूला आ जाएगा डेल्टा के केस में करके देखो, हमें स्टार्ट फेज से ही करेंगे, ठीक है। जेड बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाई फेज करेंट, हम यहाँ से करेंगे और हमारे को यहाँ तक पहुँचना है, ये जनरेटर है डेल्टा में कनेक्टेड है, ये वी ए पी वी बी सी और वी सी ए, यहाँ पे फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के इक्वल है, यहाँ पे भी मान लिया कि ये मान लेते हैं कि ये 10 MVA का जनरेटर है, तो तीनों फेज का जो रेटिंग मिला करके होगा वो ये 10 MVA होगा और ये लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा, लेकिन डेल्टा के केस में लाइन टू लाइन वोल्टेज, तो इसको हम वी एल एल इक्वल टू वी फेज लिखेंगे, और यहाँ पे जेड बेस की वैल्यू आपको ये प्रूव करनी है वी एल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री फेज रेटिंग जो गिवन होता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन रहेगा आपको एक जनरेटर के लिए। ठीक है, कुछ गलत नहीं लग रहा है ना, तो यहाँ से थ्री अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा थ्री वी फेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी ए थ्री फेज है ना, और इस केस में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है, ये आ जाएगा थ्री वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री फेज रेटिंग,
कि जेड फेस कौन सा है, फेस का है या लाइन का है? लाइन का कोई फेस वोल्टेज नहीं होगा, नहीं कोई फेस बेस इम्पिडेंस नहीं होगा लाइन का, ठीक है, हम फेस का ही डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे फेस वोल्टेज जो होगा वो लाइन टू लाइन वोल्टेज के इक्वल ही होगा, तो ठीक है, कुछ गलत नहीं लग रहा। तो हमारा कंक्लूजन यही रहेगा कि सेम रेटिंग का हमने स्टार कनेक्टेड जनरेटर लिया था, है ना, और सेम रेटिंग का यहाँ पे हमने डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर लिया। अगर रेटिंग सेम है तो डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर के केस में बेस इम्पिडेंस की जो वैल्यू है ना, ये बेस इम्पिडेंस की वैल्यू देखो और ये बेस इम्पिडेंस की वैल्यू देखो, वो बेस इम्पिडेंस की वैल्यू 3 times ज़्यादा है ना। तो सेम रेटिंग के डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर में जो बेस इम्पिडेंस की वैल्यू होगी वो 3 times ज़्यादा होगी।